सुन रहे हैं कि बेरमो से इस बार जयराम महतो चुनाव जीत रहे हैं। आपके प्रश्न से तो हमको हंसी आ रहा है। अच्छा, अब क्या बोले? कहाँ राजा भोज? अरे कहाँ गंगवार तेली? पारसनाथ का बेटा, वो पारसनाथ का बेटा जगह में होगा। वो नौजवान को बर्बाद कर रहा है। 18 साल का बच्चा को पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना में घुमा रहा है, अपोरलावन दे रहा है। उसका 12,000 क्या 200,000 वोट नहीं आए। बेरमो से इस बार विधायक किसको बनाइएगा? जल्दी जल्दी अनुप बाबू को बनाएंगे। अनुप बाबू को क्यों? जयराम महतो, रविंदर पांडे, तीर्थनाथ का तो आज जाए जाए आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, हमको पता नहीं है जयराम? जयराम आपको नहीं पता ना? जय मंगल को पता है, जयराम को नहीं पता है। उनके सभा में लाखों की भीड़ और ये कर पहचान? लाखों की भीड़ है, कहाँ से पैसा लगा करके लाता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको। बेरमो में इस बार कैसा माहौल है, किसको विधायक बनाइएगा इस बार? जय मंगल सिंह को। जय मंगल सिंह का तो काम नहीं किया सुनने में आ रहा है। क्या बोलते उनको, ला तो पकड़ के मेरे सामने। ये तो कह रहे थे, जयराम महतो जी एक बयान देते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दीजिएगा या मत दीजिएगा, नोटा में दबा दीजिएगा, लेकिन कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह और रविंदर पांडे को वोट मत दीजिएगा। पगला गया है। अरे भैया मेरे, उसका उसका दिमाग खराब हो गया, उसको कांके में ले जाके इलाज कराना होगा। ये जयराम 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 आप लोग बोल सकते हैं, कोई मतदाता नहीं बोलता है महाराज, पूरे बेरमो विधानसभा का कोई मतदाता नहीं बोलता, कोई नहीं। जयराम महतो जी आए हैं, वो भी ताल ठोक रहे, कह रहे हैं कि इस बार पारसनाथ के बेटा को जो है बेरमो की जनता आशीर्वाद देगी। देखिए, सबसे पहले उनको समझना चाहिए ये दामोदर की धरती है, पारसनाथ की धरती नहीं है। हाँ। भाजपा बोली थी हाँ। कि हम जो है सो बहुत हुई महंगाई की मार हाँ। जब केंद्र में मोदी जी आ रहे थे हाँ। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल रसोई गैस और 15 लाख जो है सो खाता में पैसा, जब पूछा गया शाहजी को कि 15 लाख रुपया कब आएगा, बोलो तो जुमला था, तो उसी तरह कहते कि जुमला था। संसदीय क्षेत्र से 5 बार के विधायक रविंदर पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। वो रविंदर पांडे जो बोल रहे हैं कि अनूप सिंह डकैत है ना हाँ। तो उससे महान डकैत रविंदर पांडे ऐसे जी, रविंदर पांडे तो ही डकैत करके अभी देखिए आपका एमपी से चांस नहीं मिला। हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उसके सीने पर लिखा 1932 खतिया, उसका गाड़ी में 32, हर जगह 32। फालतू का ये जुमला है, जयराम महतो का बेरमो में नहीं चलेगा। अच्छा। एक भी सीट जीतने वाला नहीं है, खाली आदमी को बरगला रहा है। पूरे बेरमो विधानसभा में विकास की गंगा बहाने का काम आदरणीय कुमार जय मंगल सिंह जी ने किए हैं और इनका तोड़ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जय मंगल हो गया है पूरा विधानसभा। अनूप बाबू काम किए हैं? अनूप बाबू इतना काम किए हैं, आपको लगता है झारखंड में जितना विधायक कोई इतना काम नहीं किया? कहीं एक भी शिलापट, एक भी बोर्ड आप रविंदर पांडे का दिखा दीजिए, मैं उनका जूता उठा लूंगा। और आप यहाँ से स्टार्ट किए, खाली जैना मोड़ जाने में आपको 10 को बोर्ड मिलेगा कुमार जय मंगल जी का, तो आप देखिए कि कौन विकास कर रहे हैं। बेरमो में इस बार फिर से कुमार जय मंगल और अनूप सिंह को विधायक बनाइएगा कि बदलाव कीजिएगा? एकदम निश्चित है, अनूप भैया ही जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या किए हैं? बहुत बेरमो क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। जब रघुवर सरकार आई 350 बिजली बिल हो गया, और आप देख लीजिए गठबंधन सरकार में 1 रुपया बिजली बिल बढ़ा नहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री, और बिजली जो पुराना पैसा बाकी था पब्लिक का जो नहीं दे पा रहे थे, टोटल माफ। अभी हम लोग झारखंड के सबसे हॉट सीट बेरमो विधानसभा में, और यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बेरमो विधानसभा सीट से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सिटिंग MLA कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, दूसरी ओर जो है NDA के ओर से जो है BJP के 5 बार के सांसद रहे रविंदर पांडे यहाँ से प्रत्याशी है, और JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जो है ताल ठोक रहे हैं। 4थे नंबर पर बेरमो का बेटा कहे जाने वाले तीर्थनाथ आकाश भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार बेरमो की जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी, अपना प्यार दुलार किसे देगी। आइए यहाँ के जनता से बातचीत करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कुमार जय मंगल अनूप सिंह ने बेरमो विधानसभा के लिए कितना काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? अकबर अंसारी। अकबर जी, कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह आपके क्षेत्र से जो है विधायक रहे, राजेंद्र बाबू थे उनके बेटे हैं, कैसा काम काज किए वो? देखिए, अनूप बाबू को 3.5 साल का लगभग मौका मिला हाँ। और 3.5 साल बेमिसाल रहा। अच्छा। 20-25 साल का जो सांसद रहे, इससे पहले भी 10 साल का जो विधायक रहे जोगेश्वर महतो बाटुल, इनका 3.5 साल का कार्यकाल 1300 करोड़ रुपया का विकास हुआ है। और बेरमो विधानसभा के अभी JRED में हम लोग हैं हाँ। और पूरे बेरमो विधानसभा में विकास की गंगा बहाने का काम आदरणीय कुमार जय मंगल सिंह जी ने किए हैं, और इनका तोड़ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जय मंगल हो गया है पूरा विधानसभा। रविंदर पांडे कह रहे हैं कि डकैत विधायक है, वो पूरा इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, रविंदर पांडे 5 बार का सांसद हैं हाँ। आप कहाँ से आए?
आप कहाँ से आए? हम रांची से। तो रांची से आए तो मैक्सिमम बहादुरपुर से 8 किलोमीटर यहाँ आप टच किए। हाँ। कहीं एक भी शिलापट, एक भी बोर्ड आप रविंद्र पांडे का दिखा दीजिए, मैं उनका जूता उठा लूंगा। और आप यहाँ से स्टार्ट किए, खाली जैना मोड़ जाने में आपको 10 गो बोर्ड मिलेगा कुमार जयमंगल जी का। तो आप देखिए कि कौन विकास कर रहे हैं। कुमार जयमंगल की लोकप्रियता से सारे लोग घबरा गए हैं, कहीं कोई नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ और सिर्फ कुमार जयमंगल है। जयराम महतो जी आए हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार पारसनाथ के बेटा को जो है बेरमो की जनता आशीर्वाद देगी। देखिए, सबसे पहले उनको समझना चाहिए ये दामोदर की धरती है, पारसनाथ की धरती नहीं है। और जयराम का हमको लगता है कि 12,000 वोट नहीं मिलेगा यहाँ। सही में 12,000 वोट नहीं मिलेगा जयराम को। लोकसभा में 55,000 वोट मिला तो कहे नहीं टुंडी से वो लड़े, जहाँ उनका घर है, उनका घर टुंडी है, तो डुमरी और बेरमो को क्यों चुने? 12,000 वोट नहीं मिलेगा उनको, आपको बता दिए। और लोकसभा में कई गो सीट आया उनका? लोकसभा में एको नहीं आया, लेकिन वोट अच्छा आया कर रहे। इस बार भी उनका एको सीट नहीं आने जा रहा है। कहीं नहीं आएगा? कहीं नहीं, एक आध को सीट यदि आ जाए तो आ जाए, लेकिन जीरो है सीट उनका, कहीं नहीं है। खुद तो इतना कर रहे हैं कि एक तरफ गया का बेटा, दूसरे तरफ औरंगाबाद का बेटा, तीसरे तरफ जो है पारसनाथ का बेटा, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, अनूप बाबू जो यहाँ विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान विधायक हैं। हाँ। राजेंद्र बाबू, हम लोग जिस समय छोटा थे, राजेंद्र बाबू आज बहुत दिन से, इसलिए कहा गया और क्या बिहार, राजेंद्र बाबू झारखंड के समर्पित थे और अनूप बाबू भी झारखंडी हैं और झारखंड के लोगों के लिए विकास किए हैं। विकास के नाम पर उनको वोट मिल रहा है। क्या नाम हुआ दादा आपका? अभिविलास जायसवाल। अभिविलास जायसवाल चाचा, ये बताइए कि बेरमो विधानसभा का माहौल कैसा है? नया नया युवा भी आ रहा है, तीर्थनाथ आकाश है, जयराम महतो हैं, एनडीए फोल्डर से बीजेपी के प्रत्याशी, संसदीय क्षेत्र से 5 बार के विधायक रविंदर पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। वो रविंदर पांडे जो बोल रहे हैं कि अनूप सिंह डकैत है ना। हाँ। तो उससे महा डकैत रविंदर पांडे। कैसे जी? रविंदर पांडे तो ही डकैत करके अभी देखिए आपका एमपी से चांस नहीं मिला। अच्छा, और विधायक में आ गया। अब मुखिया में भी खड़ा होगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, और आप बोल रहे हैं कि जो पारसनाथ का बेटा। हाँ। वो पारसनाथ का बेटा जगह में होगा, वो। हाँ। वो नौजवान को बर्बाद कर रहा है, 18 साल का बच्चा को पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना इनमें घुमा रहा है। हाँ। पोरलबन दे रहा है। हाँ। उसका 12,000 क्या 10,000 वोट नहीं आए। कौर है तीर्थनाथ का स्तूप का डी के रहने वाले हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ओ, कितना लड़ने वाला कितना रहेगा? अच्छा। कहाँ फेंका जाए? अच्छा, अनूप बाबू काम किए हैं। अनूप बाबू इतना काम किए हैं, आपको लगता है झारखंड में जितना विधायक कोई इतना काम नहीं किया गया जितना अनूप। और ये खाली विकास का काम नहीं, किसी का कुछ हो गया, किसी का बड़ बीमारी, लान फान, डॉक्टर गलती, एक आवाज में अनूप जी खड़ा रहते हैं। क्या नाम हुआ सर? अशोक कुमार मंडल, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस जरीडी। अच्छा, प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस जरीडी, विसूत्री अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, सुन रहे हैं कि बेरमो से इस बार जयराम महतो चुनाव जीत रहे हैं। आपके प्रश्न से तो हमको हंसी आ रहा है। अच्छा, अब क्या बोले? हाँ। कहाँ राजा भोज? हाँ। और कहाँ गंगवार तेली? जैसे बोल रहे हैं महाराज, क्या प्रश्न आप कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा है? तो कह रहे हैं कि सभा में बहुत भीड़ हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। सब भ्रम है। अच्छा, वो जो भीड़ है ना। हाँ। वही सब जगह उसका पहुंच रहा है। अच्छा। और क्या है जानते हैं? हाँ। अरे 18 साल से लेकर के। हाँ। ये 20 साल 22 साल 25 साल के जो लड़के लोगों को, बेरोजगार लड़कों को भटकाने का काम जो कर रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, अभी उसको पढ़ाई करने का समय था और अपने साथ में लेकर के घूम रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ये जयराम 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 आप लोग बोल सकते हैं, कोई मतदाता नहीं बोलता है महाराज, पूरे बेरमो विधानसभा का कोई मतदाता नहीं बोलता है। कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में कई को सीट लाया? एको को नहीं, लेकिन लोकसभा में बेरमो विधानसभा से 55,000 के आसपास वोट लाए हैं। अरे भैया मेरे। हाँ। आप देख लेना ना विधानसभा में वो किन की बात कर रहा है और किन से मुकाबला की बात कर रहा है। जो एक विकास पुरुष व्यक्ति जिन्होंने मुश्किल से 3.5 वर्षों के अल्प कार्यकाल में जो पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में 1,350 करोड़ का विकास कार्य जो कर चुका है, दिखा दिया करके, और हर समय 2400 घंटा
सुख दुख में ये बेरमो विधानसभा के लोगों के साथ में जो खड़े होते हैं ये बहुत बड़ी बात है। हमने तो देखा, मैं ये 14वां चुनाव लड़ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से, बोलिएगा कैसे, 1985 में राजेंद्र बाबू चुनाव लड़े, 6 बार का विधायक लड़े और 3 बार का लोकसभा चुनाव वो लड़े, विजय नहीं प्राप्त कर सके अलग बात है, 2 बार बाटुल महतो चुनाव जीते, ठीक है। अभी फिलहाल में धनबाद लोकसभा क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुपमा सिंह जी लोकसभा चुनाव लड़ी, 13वां हो गया और ये 14वां चुनाव अभी मैं लड़ रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है उस परिवार में कांग्रेस पार्टी में जुड़े रहने का, मेरा सौभाग्य है और उस परिवार में मैंने देखा दया, धर्म, सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक सवाल है, जयराम महतो जी एक बयान देते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दीजिएगा या मत दीजिएगा, नोटा में दबा दीजिएगा, लेकिन कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह और रविंदर पांडे को वोट मत दीजिएगा। पगला गया है, अरे पगला गया है, अरे भैया मेरे, उसका उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको कांके में ले जाके इलाज कराना होगा। उसको बेरमो में क्या विकास किया है, डुमरी में जहाँ से चुनाव लड़ रहा है क्या किया है, उसको वोट देगा आदमी, एको गरीब को कहीं से 200 रुपया का सहायता दिलाया है, जीतेंगे तभी विकास करेंगे। ना ना, खाली जितने से ही सेवा करता है लोग, सामाजिक आदमी कहीं भी सेवा कर सकता है, शरीर से भी तो मदद करता, बेरमो में किसी को शरीर से भी मदद किया है क्या? कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम इतना मुआवजा दिलवा दिए 12-14 करोड़, कहीं कोई मुआवजा नहीं, वो सब फेक न्यूज है, वो सब जो है ढोंगी है, कहीं उसका काम दिखता नहीं है, वो जो है ना बरगलाने काम करते हैं, नौजवानों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई के समय में उन लोगों को बहकाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो रिश्तेदार हैं क्या जयराम महतो जी आपके? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। अच्छा, नहीं वो थोड़ा टाइटल मच हो गया इसलिए। अच्छा, महतो बताइए, कुर्मी महतो होता है, कोयरी महतो होता है, तेली महतो होता है, कुमार महतो होता है, चार महतो होता है। अच्छा, ठीक है, तो महतो होने का मतलब जयराम महतो नहीं हो गए? नहीं, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जयराम महतो की पार्टी जो है कुर्मी समुदाय की पार्टी बन गई है, इस प्रकार से हम बोल दिए। सुदेश महतो कौन समुदाय की बन गई? वो भी उनको भी लोग कह रहा है। ठीक है, सही बात है, कुर्मी महतो की पार्टी तो है, कुर्मी का पार्टी अकेले एक आदमी नहीं चला सकता है। अच्छा, महतो को, ठीक है, और ये महतो के नाम पर सारे जाति को बदनाम कर दीजिएगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए क्या कहिएगा, बेरमो में इस बार फिर से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को विधायक बनाइएगा कि बदलाव कीजिएगा? एकदम निश्चित है, अनूप भैया ही जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या किए हैं? बहुत बेरमो क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। अच्छा, बहुत काम किए हैं ये, बहुत काम किए हैं, बहुत अनदेखा काम किए हैं, इनका काम का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, जमानत जब्त होने, एक तो अनूप बाबू का विकास, दूसरा मुख्यमंत्री का विकास। अच्छा, मैं औरत लोग को पूछते हैं मैया सम्मान योजना के बारे की कर भाग बंद करे भाग की दे भाग, कहते हम हेमंत सोरेन के देव, ठीक हो? अच्छा, ये मैया सम्मान 2500 होने जा रहा है, लेकिन भाजपा भी करिए चाचा, कई सौ को दे दी योजना, क्यों? वो बिल्कुल झूठा घोषणा है, भाजपा यदि बोल रही है कि हम 2100 देंगे तो मोदी जी का सरकार है केंद्र में, लागू कर दे पूरे भारतवर्ष में, होंगी वाला बात कर रहा है, झूठ मूठ का 15 लाख नहीं ना मिला, उसी तरह जुमला है, बाद में कह देंगे जुमला है। बीजेपी के पास केवल जुमला के सिवा कुछ नहीं बचा है। लेकिन क्या क्या है, वो बोले थे, भाजपा बोली थी कि हम जो है सो बहुत हुई महंगाई की मार, जब केंद्र में मोदी जी आ रहे थे, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल रसोई गैस और 15 लाख जो है सो खाता में पैसा, जब पूछा गया शाह जी को कि 15 लाख रुपया कब आएगा, बोलो तो जुमला था, तो उसी तरह कह देगा गोगो दी की जुमला था। ऐसे तो हेमंत सोरेन बोले थे 5 लाख रोजगार नौकरी देने के लिए, उनको कम समय मिला, आप समझिए बात को, 2 साल कोरोना में घेर लिया, कोई घर से निकल नहीं रहा था, और 3 साल बचा, 5 महीना जेल में घुसा दिया भाजपा, जिसका कोनो सबूत नहीं मिला, वो तो और खूनखार होकर निकला है। अच्छा, और खूनखार होकर निकला है, 60 पार होगा जी। अच्छा, 60 पार होगा इंडिया गठबंधन का। 2014 से मोदी जी की सरकार है, 3 बार तीसरा बार ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, एक चीज आप लोग मीडिया के लोग तो ये जानते ही हैं, मालूम ही है कि 2014 से जो उन्होंने जीतने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो भी घोषणा, जितना घोषणाएं उन्होंने किया है पब्लिक के लिए,
एक भी हमको दिखा दीजिए कि यदि एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा किया है तो कहां गया? उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं लोगों को, राशन दे रहे हैं 80 करोड़ भारतवासियों को। सुनिए सुनिए, 1000 गैस का दाम हो गया, फ्री में गैस दे दिया, 500 में देंगे, फ्री में गैस दे दिया। जैसे हम लोग तार में लगाते हैं ना हुक, वैसे हुक दे के सब खींच लिया, पब्लिक का अतड़ी दुहर दिया। आप समझिए, जब रघुवर दास की सरकार थी यहाँ उस समय, उससे पहले जब राजेंद्र बाबू यहाँ के ऊर्जा मंत्री थे, 1.5 साल के लिए सीएम बने थे हेमंत सोरेन, उस समय 72 रुपया बिजली बिल था। जब रघुवर सरकार आई 350 बिजली बिल हो गया, और आप देख लीजिए गठबंधन सरकार में 1 रुपया बिजली बिल बढ़ा नहीं, 200 यूनिट बिजली फ्री, और बिजली जो पुराना पैसा बाकी था पब्लिक का जो नहीं दे पा रहे थे, टोटल माफ, मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास, किसानों का ऋण माफ, इस सरकार में गरीबों का बहार है, समझे ना। यदि हेमंत सोरेन को लाना है, राज्य को खुशहाली को ले जाना है, भाजपा सरकार में सुनिए, भाजपा केवल ठगने का काम किया है लोगों को, और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया। ये जो जयराम जो बात कर रहा है, गाली दे रहा है, जयराम जयराम को तो अभी विकेट गिर रहा है, विकेट पर विकेट गिरते जा रहा है। अच्छा, पहले जो क्रांतिकारी रिजवान चले गए 19 साल बात करते हैं, 1932 का खतियान का जयराम महतो, इससे पहले हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उसके सीने पर लिखा 1932 खतियान, उसका गाड़ी में 32, हर जगह 32। फालतू का ये जुमला है, जयराम महतो का बेरमो में नहीं चलेगा, एक भी सीट जीतने वाला नहीं है, खाली आदमी को बरगला रहा है, खाली आदमी को बोल रहा है। आप युवा हो के जयराम के साथ नहीं है, बोलते हैं जयराम की युवा हमारे साथ है पूरा, हमारे युवा युवा हमारे SSP मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन युवा है ना। अच्छा, कितना विकास किया? अच्छा, पूरा झारखंड में विकासमय हो गया है। महिला दादा आप लोग को नौकरी मिली? कैसे नौकरी नहीं मिला? मास्टर साहब का वेतन बढ़ाया, 62 साल किया, 60 साल से 62 साल, पारा टीचर को अस्थाई कर दिया, नौकरी नहीं दिया उसको, पता नहीं है, नौकरी तो पूरा दिया है, लेकिन जयराम महतो को खुद पता नहीं कि नौकरी पता नहीं है जयराम महतो को। झूठ का राजनीति की यहाँ नहीं चलेगा, झूठ का राजनीति चलेगा। लोग आ चुका है, बहु रुपये लोग आ चुका है कैंडिडेट बन करके, संपूर्ण बेरमो विधानसभा के मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि ये बहु रुपयों के बहकावे में, बहलावे में, ठग विद्या में न फंसे। अच्छा, विकास पुरुष व्यक्ति जो हैं, विधायक जो हैं, अनुप बाबू सिंह, विकास इन्होंने किया है और विकास करेंगे, इनको बेरमो का विधायक बनाना है और झारखंड का मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन। अनुप बाबू विधायक नहीं थे ना? अनुप बाबू विधायक नहीं थे, कोरोना फर्स्ट बार आया, अनुप बाबू लोगों को राशन दे करके घूम घूम करके उनका आदमी मदद कर रहा था, उसी समय लोग अनुप बाबू को विधायक के रूप में देखा था, तो कहाँ उस समय जयराम था, कहाँ पांडे जी थे और कहाँ और लोग थे, कहे नहीं आए क्षेत्र में, सब घर में दुबके हुए थे, लेकिन अनुप बाबू लोगों को माध्यम से क्षेत्र में मदद करने का काम किया। क्या नाम हुआ? लालमोहन मरांडी। लालमोहन मरांडी जी, बेरमो से इस बार विधायक किसको बनाइएगा जल्दी जल्दी? अनुप बाबू को बनाएंगे। अनुप बाबू को क्यों? जयराम महतो, रविंदर पांडे, तीतना तक तो आज जाए जाए, आप करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम कर रहे हैं और नहीं तो क्या, हमको पता नहीं है जयराम जयराम। आपको नहीं पता न? जय मंगल को पता है, जयराम को नहीं पता है। जय मंगल पता है जी, जयराम नहीं पता? नहीं पता है। ऐसा क्यों? हम जन भी नहीं करते, पहचान भी नहीं करते हैं। उनके सभा में लाखों की भीड़ और ये कर पहचानते हैं? लाखों की भीड़ है, कहाँ से पैसा लगा करके लाता है तो हम क्या कर सकते हैं उसको? उनके पास पैसा कहाँ से है? पैसा कैसे नहीं, बिना पैसा में इलेक्शन लड़ता है? अच्छा, इलेक्शन कोई लड़ता है बिना पैसा में लड़ता है? नहीं, बहुत लोग लड़ता है गरीबी में। कैसे गरीबी? आजकल जमाना में कोई गरीबी नहीं है, सब अमीरी है, गरीबी नहीं है कोई। अच्छा, अभी देख रहे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम निरंजन सिंह है। निरंजन सिंह जी, बेरमो विधानसभा का माहौल क्या है? सुनने में आ रहा है कि टेम्परेचर 90 डिग्री पहुंच गया ठंडा के मौसम में। 3.5 साल में जो विधायक जी हमारे काम किया, पूरे झारखंड में ऐसा विधायक कोई काम नहीं जी, कुमार जय मंगल सिंह। कोई लोग कह रहा है कि इस बार जो है मुकाबला का तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। सर ढोंगी है। कौन ढोंगी? ढोंगी सब करवा रहा है। कौन ढोंगी, नाम बताइए? रविंदर पांडे जी, आपका जयराम, जयराम महतो जी, इस आदमी को बरगाने का काम कर रहा है। ये बरगाल से बरगाने वाला बैरमो की जानता नहीं है। पुनः आशीर्वाद अनुप सिंह जी को देंगे और बेरमो से विधायक बनाएंगे और झारखण्ड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनेंगे। दादा दादा सुन इधर सुन, क्या नाम दादा? मांगू हेमराम। मांगू हेमराम, के विधायक बने भी बेरमो से? कुमार जयमंगल, अनुप सिंह को। और मुख्यमंत्री के बने भी? हेमंत सोरेन जी को। घर अबू आवास मिल लो?
उपवास मिल रहा है, हमारा घर में मिल रहा है, हमारा भाई को मिला है, अभी हमको नहीं मिला है, भाई को मिला है, चाचा को मिला है, हमारा जेठी को मिला है, मेरा टोला में गारों को अबुआ आवास मिला है। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ? मुक्तेश्वर महतो। मुक्तेश्वर महतो जी, तो क्या लगता है बेरमो में इस बार कैसा माहौल है, किसको विधायक बनाइएगा इस बार? जयमंगल सिंह को। जयमंगल सिंह का तो काम नहीं किया सुनने में आ रहा है। क्या बोलते उनको, ला तो पकड़ के मेरे सामने। ये तो कह रहे थे, कहा बोले आपने? बोला नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इस बार जयमंगल सिंह एकदम जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो मत नहीं। इधर डंके के चोट पर मैं कहा, नया नया लड़का लोग आया। अरे नया नौ दिन पुराना, मैंने नया को उधरे रहने दीजिए। कहाँ मतलब किधर रहिएगा? वो उधरे रहेगा। अच्छा, काम किया अनूप जी? चलिए ना जी, आपको दिखा देंगे काम। चलेंगे गाँव गाँव में, चलिए ना। चलेंगे चलेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग बेरमो विधानसभा में है, यहाँ के मतदाताओं से बातचीत करके जानने का प्रयास किया कि बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह बेरमो विधानसभा के मतदाताओं के लिए, यहाँ के आम जनमानस के लिए उन्होंने कितना काम किया है, लोगों से बातचीत किया और अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी। मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यही पता चल रहा है कि कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह विनर नजर आ रहे हैं हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाकी जब 20 नवंबर को मतदान होगा दूसरे फेज में और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा कि बेरमो का विधायक कौन होगा। बाकी फिर से हम लोग अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं आपको, जरीडी ब्लॉक से दिखाया, अलग अलग जगह से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया, भोकाल टीवी पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप अगर बेरमो विधानसभा से वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि बेरमो विधानसभा सीट पर इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं। झारखंड के किसी भी विधानसभा सीट से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में इस बार झारखंड में किसको देखना चाहते हैं। झारखंड में सरकार एनडीए की चाहिए, इंडिया की चाहिए, यह भी कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।